डीसीपी साहब पश्चिम हैं, तो उनके कार्यालय का निरीक्षण था, वार्षिक निरीक्षण, तो उस सिलसिले में मैं आया था। और साथ ही जो आप जैसा संकेत कर रहे हैं जो रीट प्रकरण है, तो उसके संबंध में भी जो अब तक काम हुआ है या अब तक और क्या क्या इस दिशा में हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी अभी हमने चर्चा की और उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। जालौर और बाड़मेर को बीक का केंद्र माना जा रहा है, किस तरह से क्या कितनी परीक्षा पे कुछ किए गए, कोई ऐसा प्रतिक्रिया है कि कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा है? केंद्र बिंदु हमने कोई ऐसा आपको नहीं बताया कि वो केंद्र बिंदु है। हमारे हिसाब से तो जहाँ पे भी जो हमारे अभियुक्तगण हैं उनकी तलाश में निरंतर हमारी टीम्स जा रही हैं, तो वहाँ पे भी जा रही हैं और दूसरे जो क्षेत्र हैं या ज़िले हैं वहाँ पे भी जा रही है। वो अभी उसको पूरा एसेस कर रहे हैं और जितने भी इस तरह के अभ्यर्थी हैं उन्हें भी चिन्हित किया गया है, और साथ में जो सहयोगी हैं जो उनको जिन्होंने परीक्षा प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व उपलब्ध कराया उन्हें भी चिन्हित किया गया, तो उनकी जैसे जैसे गिरफ्तारियां होंगी तो स्थिति और स्पष्ट होती चली जाएगी। सर, आप द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण शहर से आप पहली बात प्रयास नहीं कदम क्या नहीं, वो जो डीसीपी पश्चिम हैं अभी नई नियुक्त हुई हैं यहाँ पर, और उन्होंने आते ही अच्छे ढंग से अपना जो कार्य संभाला है और उनकी टीम अच्छी है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो आने वाले समय में वो और आपको बताएंगे कि किस तरह से पुलिसिंग को बेहतर किया जा सकता है। कितने समय पहले पेपर मारा गया, क्या कोई हिसाब तक इनके कितने समय से पहले पेपर मारा था, ऐसा ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। जैसा कि इन जो अपराधी हैं इनको 25 सितंबर को सुबह प्रश्न पत्र मिला था, तो ये तो पहले भी बता चुके हैं।